और ब्लैकमेलिंग के मामले में जेल जा चुकी युवती और हनी ट्रैप मामले के आरोपी प्रीति तिवारी ने अब कारोबारी चेतन शाह के खिलाफ खमराडीह थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। युवती ने चेतन शाह पर रेप और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है और कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल पहले चेतन शाह की शिकायत के बाद पंडरी पुलिस ने युवती को ब्लैकमेलिंग के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेजा था, लेकिन इसके बाद हाईकोर्ट से प्रीति तिवारी को जमानत मिल गई थी। उसके खिलाफ और उसने मेरी फोटो लगा के नकली आधार कार्ड उसने बनाया था और उसके तहत मुझे उसने मैरियट कोर्टयार्ड में मुझे रुकवा कर मेरा यौन शोषण किया था उसने। इस खिलाफ के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ अपना कंप्लेन लेकर, बट ये मेरी कंप्लेन लिख नहीं रहे। इनका कहना है कि मेरी गलती है क्योंकि ऑलरेडी मेरे पर एक केस है, तो ये मेरी केस नहीं लिख रहे हैं। एक लड़की है जो एक शिकायत लेके आई थी कि उनके साथ चेतन शाह ने गलत व्यवहार किया है या गलत काम किया है, इसकी रिपोर्ट उन्होंने थाने में दी है शिकायत के संबंध में। तो उन्होंने अभी वैधानिक रूप से हमने शिकायत को रख लिया है क्योंकि इसके खिलाफ पहले पंडित थाने में एक शिकायत हुई है और अपराध भी दर्ज है, इसीलिए इसको DPO साहब से और चर्चा करके फिर इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मंत्री मोहम्मद अकबर ने नगर निकाय चुनाव